ये रिश्ता क्या कहलाता है। फिल्म एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने कुछ वक्त पहले ही इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर कर फैंस को बड़ी दुखद खबर सुनाई थी और कहा था कि ये इस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती हैं क्योंकि इनकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया है। हालांकि इसके बाद शिवांगी की तबीयत से जुड़ा कोई अपडेट सामने नहीं आया था, पर अब 6 दिन बाद इनकी तबीयत कैसी है इसका पता अब इनके घर से शेयर किए गए एक वीडियो से चला है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जी हाँ, कुछ वक्त पहले एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट कर इस बात का खुलासा किया था कि इन्हें किडनी में इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनकी सर्जरी हुई है और अब वो सभी की शुभकामनाओं और डॉक्टर की सहायता से बेहतर महसूस कर रही है। खैर, अब एक्ट्रेस शनिवार 18 मार्च को अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई हैं और घर पर ही आराम कर रही हैं। ऐसे में शिवांगी ने अपने इंस्टाग्राम पर लाइव जाकर फैंस से बातचीत की और क्या कहा आइए बताते हैं। जी हाँ, लाइव सेशन में शिवांगी जोशी ने शेयर किया कि ये 6 दिन अस्पताल में भर्ती रही। शुरुआत दिन इनके लिए बहुत कठिन थे क्योंकि ये बैठ या खड़ी भी नहीं हो सकती थी, मगर अब कमजोरी नहीं है लेकिन सर्जरी से धीरे धीरे रिकवर हो रही है। इन्होंने आगे बताया कि अस्पताल से छुट्टी मिल गई है लेकिन इलाज अभी भी घर पर चल रहा है। इनके कुछ और टेस्ट होने बाकी हैं, साथ ही इन्होंने फैंस से इनके लिए दुआ करने को कहा ताकि रिपोर्ट नॉर्मल आए। फिर इसी दौरान शिवांगी जोशी से फैंस ने कई सवाल भी किए। एक ने पूछा कि क्या वो घर पर अकेली हैं, तो इन्होंने बताया कि इनके पास एक नर्स है जो इनकी दवा, ड्रिप और घर की हर चीज का ध्यान रख रही है। जब तक शिवांगी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक वो यहीं रहेगी। वहीं शिवांगी ने अपनी किडनी की बीमारी पर सफाई देते हुए बताया, कई फैंस ने मुझसे पूछा कि मैं नारियल पानी और पानी क्यों पी रही हूँ, तो मैं इस बारे में बताना चाहती हूँ कि मुझे किडनी में इन्फेक्शन था, ना कि मेरी किडनी फेल हुई थी। मैं सभी से कहूंगी कि आप हाइड्रेटेड रहें और ज्यादा मात्रा में पानी पीते रहें। मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब हाइड्रेटेड रहने में मेरी लापरवाही के कारण मेरी हालत खराब हो गई। मैंने अब खुद का ख्याल रखने, अधिक पानी पीने और स्वस्थ रहने का तय कर लिया है। तो दोस्तों, आप शिवांगी जोशी को पूरी तरह से ठीक होते देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।